लेकिन अरविंद केजरीवाल का बयान भी सामने आ गया है। अरविंद केजरीवाल जो ये कह रहे हैं कि किसी भी चुनाव को हल्के में नहीं लेना चाहिए। हरियाणा के नतीजों पर अरविंद केजरीवाल का ये बड़ा बयान, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि किसी भी चुनाव को हल्के में नहीं लेना चाहिए। सुनिए क्या कुछ कहा है उन्होंने। किसी भी चुनाव को हल्के में नहीं लेना चाहिए। अभी तो पता नहीं नतीजे क्या हैं, लेकिन आज के चुनाव से सबसे बड़ी सबक यही है कि ओवर कॉन्फिडेंस मत करना कभी भी। किसी भी चुनाव को हल्के में नहीं लेना चाहिए। हर चुनाव कठिन होता है, हर चुनाव में हर सीट कठिन होती है, मेहनत करनी है और लड़ाई मत करना अपने अपने MLAs के साथ, लड़ाई मत करना, सब लोग मेहनत करना। तो किसी भी चुनाव को हल्के में नहीं लेना चाहिए। अति आत्मविश्वास की भी उन्होंने बात कही कि ठीक नहीं है। और आर्या जी, मैं आप ही से इससे जुड़ा हुआ सवाल करती हूँ कि ये इशारा साफ साफ है, इसमें कुछ छुपा तो नहीं है, कांग्रेस की तरफ ही उंगली उठाई है केजरीवाल ने? देखिए, केजरीवाल जी को उम्मीद थी कि हमारा गठबंधन हो जाएगा, गठबंधन हुआ नहीं, उसी की टीस निकल रही है, उसकी टीस निकल रही है। अगर गठबंधन होता तो मुझे लगता है दोनों को फायदा होता। जगाधरी सीट ये जीत जाता आराम से और वहाँ भाजपा कांग्रेस को भी फायदा होता। तो वही टीस है, वही बात कह रहे हैं कि जो कांग्रेस ने नहीं किया गठबंधन, क्योंकि हुड्डा अति आत्मविश्वास में थे कि हम जीत रहे हैं। हुड्डा नहीं चाहते थे कि गठबंधन हो, तो वो टीस है। ये हुड्डा का अति आत्मविश्वास वही इन नतीजों में ले डूबा क्या कांग्रेस? पॉलिटिकली वाइज स्टेटमेंट है। जहाँ पे आप वोट का डिवीजन रोक सकते हो, वहाँ पर अपोजिशन को रोकना ही चाहिए था, जो इन्होंने लोकसभा चुनाव में किया वही काम अगर यहाँ करते तो जाहिर है नतीजे में कुछ ना कुछ अंतर तो आता। लेकिन आर्या जी, वो जगाधरी वाले जो कैंडिडेट थे उसको तो कांग्रेस ने बीजेपी टिकट काट दी उसकी, वो तो कांग्रेस का कैंडिडेट था, इसलिए उसको मजबूरी में जाना पड़ा। लेकिन अभी भी देखिए, कुछ सीट्स हैं जहाँ पर 100-200 का मार्जिन है या 1000 से नीचे वाली सीट्स हैं, जिनमें एक और दो राउंड कई जगह पर बचे हुए हैं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि कुछ बहुत ज़्यादा बदल जाएगा, लेकिन काफ़ी क्लोज कॉन्टेस्ट है। और इतना क्लोज कॉन्टेस्ट होगा, इतना ज़्यादा वोट परसेंटेज बीजेपी का बढ़ेगा, शायद इस बात का अनुमान नहीं था। ABP News आपको रखे आगे।